फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ स्पेशल स्वीट राइस नूडल्स। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई रख दिया है और अभी हम इस पर ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी और इसे हम अच्छे से बॉईल करके लेना है। तो दोस्तों, ये जो राइस नूडल्स हैं जो साउथ इंडियन की एक स्पेशल और ट्रेडिशनल रेसिपी है, ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो इसे दो तरीके से बनाए जाते हैं, स्वीट भी बनाए जा सकते हैं, बिना स्वीट का भी बनाते हैं। तो बिना स्वीट का तो मैंने पहले ही अपलोड कर चुका है वो वीडियो, आप ज़रूर देखिएगा। मैं जो ऊपर जो आपको आई बटन दिखेगा ना, वहाँ आप देखिएगा, चेक कीजिएगा, वो भी बहुत टेस्टी है। करी के साथ उसे सर्व कर सकते हैं। और ये जो मैं बनाने वाली हूँ स्वीट राइस नूडल्स, तो मैंने यहाँ पर 2 बाउल राइस लिया है, राइस फ्लोर लिया है। आप चाहे तो रेडीमेड राइस फ्लोर भी लेकर बना सकते हैं, जो साउथ इंडियन की जो शॉप रहता है ना, वहाँ पर मिलते हैं इडियप्पम की, तो जो राइस फ्लोर मिलते हैं आप उसे भी लेके बना सकते हैं, या फिर अपने घर पर भी आप इसे पाउडर बनाकर बना सकते हैं। तो इस पानी अच्छे से बॉइल हो चुका है, अभी हम इस पर ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और इस पर ऐड करना है ऑयल। ऑयल या घी आप ऐड करने से हमारा जो राइस नूडल्स एकदम सॉफ्ट बनेंगे, इसके लिए हमने ऑयल ऐड किया है। और अभी हम इस पर ऐड करेंगे राइस फ्लोर, इसे फिर अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और एकदम लो फ्लेम पर रखना है और इसे इस तरह से हमें अच्छे से मिला देना है। और इसे ठंडे होने के बाद हम इसको अपने हाथों से अच्छे से गूंद कर एकदम अच्छा सॉफ्ट डो बनाकर रख देना है। तो देखिए, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी हम इसको साइड पर रख देंगे। और आप चाहे तो इसको थोड़ा हाथ से पकड़ के देखिएगा, एक सॉफ्ट हुआ कि नहीं। देखिए, इस तरह से एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है हमारा जो डो। अभी हम इसे साइड पर रख देंगे और अच्छे से ठंडा होने के बाद हाथ से गूंद कर ले लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इडली स्टीमर जो है ना, उसको हम रख देंगे, उस पर भी पानी ऐड करके हम अच्छे से उसको बॉइल करके लेना है, फिर हम इस पर बनाएंगे, हमें स्टीम करके लेना है राइस नूडल्स को। तो पहले हम स्टीमर को रख देंगे, इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं। बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं, बहुत ही हेल्दी एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है, बच्चे को बड़े को एक जैसा पसंद आने वाला रेसिपी है। तो इस तरह का देखिए, मैंने इडली का जो बर्तन है वो भी रख दिया है उसका, और इसको अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेना है इसके अंदर, और इसे हम ढक कर रख देंगे। अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसे बनाएंगे। और मैंने यहाँ पर लिया है ग्रेटर किया हुआ कोकोनट, तो एक कोकोनट बड़ा मैंने लिया है, जितना आपको ज़रूरी उसके हिसाब से ले लीजिएगा। और इस पर अभी हम ऐड करना है, मैंने यहाँ पर लिया है इलायची और जीरा, और इसे हम मिक्सर जार में अच्छे से पाउडर करके ले लेंगे और इस तरह से हम डाल देंगे। और एक चम्मच शुगर भी ऐड करके अच्छे से पाउडर बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने पाउडर बना लिया है, इसको भी हम इस ग्रेटेड के और कोकोनट में ऐड कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, अच्छा एक फ्लेवर आते हैं, टेस्टी बनता है हमारा जो इडियप्पम बोलते हैं राइस नूडल्स को। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, तो हम स्वीट डिश बना रहे हैं इसके लिए हम इस पर शुगर भी ऐड करना है। आपको जितना मीठा पसंद है उसी हिसाब से डालिएगा और अच्छे से इसको मिक्स करके रख दीजिएगा। तो इसका फिलिंग यहाँ पर रेडी हो गया है, अभी हम राइस नूडल्स बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, बच्चे को आप कभी इस तरह का वैरायटी डिश बना कर देंगे तो बच्चे को ज़रूर पसंद आएंगे। और ये अपने घर पर बना हुआ नूडल्स है तो सबको हेल्दी भी है, बच्चे को बहुत ही एकदम हेल्दी एक रेसिपी भी रहेंगे। तो इवनिंग में भी आप बना कर दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना कर दे सकते हैं, फटाफट से बनने वाला एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये। तो देखिए, इसे मैंने अच्छे से हाथ से गूंद लिया है, ये सॉफ्ट हो चुका है। अभी हम इसको, अब जब ये चकली बनाता है ना, उसे मोल्ड में डालकर इसे हमें बनाना है। तो देखिए, इस तरह से मेरे पास ये मोल्ड है, इस पर हम ऐड करेंगे। देखिए, छोटा छोटा होल वाला रहता है ना नूडल्स का, तब सेव वगैरह बनाते हैं वही डालना है इसके अंदर, और इसको हम इसमें फिल कर देंगे और इसका हम नूडल्स बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा रेसिपी आपको, अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये साउथ की एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएंगे, ये सबको बहुत ही पसंद आने वाला रेसिपी है। तो अभी हम इस पर, अच्छे से गर्म हो चुका है हमारा इडली स्टीमर, तो अभी हम इस पर ऐड कर लेंगे इस राइस नूडल्स। देखिए इस तरह से, तो दिखने में बहुत ही बढ़िया है, वैसा टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो अभी हम इसके बीच में हमें ऐड करना है
हमने जो फिलिंग रेडी किया था ना कोकोनट, उसको हम इसके बीच में डाल देंगे, या फिर आप ऊपर भी या नीचे और बीच में तीनों साइड पर भी डालकर बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पर बीच में डाल रही हूँ, तो बहुत ही टेस्टी है, मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। आप चाहे तो इस इडियापम को, इस राइस नूडल्स को आप दूध भी डालकर इसे खा सकते हैं, इतना टेस्टी है। स्वीट डिश है ना, तो दूध डालकर भी आप खा सकते हैं, या फिर आप इसमें शुगर नहीं ऐड किया है, बिना शुगर का बना रहे तो आप इसको एग करी या वेजिटेबल स्टू के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है दोस्तों। इस तरह से मैंने इस फिलिंग्स को भी बीच में डाल दिया है, और ऊपर से एक और बार हम इसे इस राइस नूडल्स को डाल देंगे। जितना आपको थिक रखना है उसी हिसाब से रखिएगा, एकदम बड़ा बनाना है तो इस तरह बनाइएगा, या मीडियम बनाना है तो मीडियम साइज़ का बनाइएगा। और इसे हमें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, 5 या 6 मिनट तक इसे हमें ढककर पकाना है। ज़्यादा देर इसे स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जल्दी से पक जाते हैं। अब बीच में कोल्ड कर देखिएगा उसको दबाकर, तो आपको पता चलेगा कि पक चुका है कि नहीं। अगर चिपक रहा है तो आप एक और मिनट रखना और इसे अच्छे से स्टीम करके ले लीजिएगा। और इसे अभी हम ढक कर रख देंगे और 5 मिनट के बाद कोल कर देखेंगे। तो मैं बीच में कोल कर देखा था, थोड़ा और पकना था इसके लिए, 1-2 मिनट मैंने रख दिया था। तो अभी हम इसको हाथ से थोड़ा निकाल कर देखिए, इस तरह से तोड़ कर देखेंगे। देखिए अच्छे से टूट रहा है ना, इसका मतलब ये अच्छे से बन चुका है। अभी हम इसे निकाल कर प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, बहुत ही यमी है ये राइस नूडल्स, स्वीट राइस नूडल्स। तो मैं अभी जा रही हूँ मेरी बच्चे को देने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मम्मी मम्मी, वाओ राइस नूडल्स, गॉड ब्लेस नूडल्स, टेस्टी। Yes, tasty. Hum, tasty. Super. Super.